गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर फार्माकोलॉजी क्लास। इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन विच वी विल स्टडी अबाउट द कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट। एक्चुअली मैंने ANS के बारे में आपको अपनी सेकेंड क्लास में बताया था और कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में मैंने आपको थर्ड क्लास में बताया था। आज वाली क्लास के अंदर हम इसे आगे पढ़ने के बजाय एक बार इन सभी चीज़ों को एक साथ पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ANS कॉलिनर्जिक सिस्टम, ये क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो वो मैं आपको एक साथ बता देती हूँ आज वाली क्लास में, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए और आप थोड़ा सा और अच्छे से उसके नोट्स बना सकें। तो देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमने पहले नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम दो तरह से क्लासिफाई होता है, CNS और PNS। CNS के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड था और PNS जो है उसके अंदर ANS और SNS आया था। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये वर्क करता है एनर्जी को सेव करने के लिए, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, रिस्टोरेटिव सपोर्ट आपकी बॉडी को देता है और रेस्टिंग बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट डिक्रीज होती है, GIT की टोन और पैरास्टैटिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, यूरिनरी स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं, वैसो डाइलेशन होता है जिससे कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ये सारे PNS के फंक्शंस हैं। अब बॉडी रिस्पॉन्स, रेस्ट और डाइजेस्ट, दो रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी के, रेस्ट और डाइजेस्ट, ये दोनों फंक्शंस भी इस PNS से जुड़े हुए हैं। जैसे स्किन में ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट होती है, जब ये फंक्शंस, ये रिस्पॉन्सेज जब आपकी बॉडी में चल रहे होते हैं, तो आपके स्किन के ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, जिसको अपन ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। डाइजेसिव एंजाइम्स का सीक्रीशन बढ़ जाता है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से चल सके। ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्रोंकोस्पासम जिसको अपन बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड का सीक्रीशन बढ़ जाता है, तो पसीने आने लगता है, पसीने आने से आपकी स्किन, आपकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, कूलिंग एक्शन है ये इसका। यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी जब मैंने आपको एसिटाइलकोलाइन बताया था कॉलिनर्जी में, ये सारे पॉइंट्स आए थे उसके अंदर, है ना। और स्केलेटल सिस्टम की स्मूथ मसल्स भी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर की भी और स्केलेटल सिस्टम की भी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है जिससे अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, हार्ट रेट डिक्रीज यानी ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, और स्किन की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। अब देखिए, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स, मैंने आपको बताया था कि भाई दो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कारेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इनका नाम मैंने आपको बताया था। मस्कारेनिक रिसेप्टर्स को हम M से डिनोट करते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को हम N से डिनोट करते हैं। जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया था कि तीन जगह पर इसका रोल है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे और एड्रिनल मेड्यूला पे। जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्ट करते हैं तो अपन NM से इसको डिनोट करते हैं, NM, small m। और जब ये एड्रिनली मेड्यूला को रिप्रेजेंट करता है तो NN से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, NM NN। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर जो M दिया हुआ है वो मस्कारेनिक रिसेप्टर है, मस्कारेनिक रिसेप्टर के सब टाइप्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, और निकोटिनिक रिसेप्टर के सब टाइप होते हैं NM NN। तो देखिए, ये कहाँ कहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और क्या क्या फंक्शन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो मस्कारेनिक रिसेप्टर्स है, सबसे पहले देखें, उससे पहले मैं बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था अपनी लास्ट क्लास में कि मस्कारेनिक, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि मस्कारेनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो हार्ट, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और CNS पे पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, M1 रिसेप्टर सीक्रेटरी ग्लैंड पे पाए जाते हैं, तो ये सीक्रीशन हमारे बॉडी में बढ़ा देते हैं, जैसे सलाइवेशन का सीक्रीशन, यानी बहुत ज़्यादा सलाइवा आपके मुंह में बनने लग जाता है, स्टमक एसिड ज़्यादा बनता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, लैक्राइमेशन, आंसू का बनना,
ये M1 रिसेप्टर्स की वजह से है। M2 रिसेप्टर्स जो हार्ट पे पाए जाते हैं ये हार्ट रेट को कम कर देते हैं, दैट इज़ ब्रैडीकार्डिया। अभी हमने अपनी लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड में ये चीज़ आई थी। M3 रिसेप्टर स्मूद मसल्स पे, चाहे वो स्मूद मसल्स ब्रोंकाई की हो, GI की हो, या यूरिनरी ब्लैडर की हो, कहीं की भी स्मूद मसल्स हो, उन पे पाए जा रहे होते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, ये तीनों नाम लिखे हुए हैं। तो ये स्मूद मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है जिसकी वजह से पर्सन में डायरिया हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज़म हो जाता है, यूरिनेशन हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने विद डायग्राम बताया था, यहाँ मैं विद चार्ट आपको बता रही हूँ। तो स्मूद मसल्स, GI GU रेस्पिरेटरी की स्मूद मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे पर्सन में डायरिया, ब्रोंकोस्पाज़म, यूरिनेशन देखने को मिलता है। M3 रिसेप्टर्स ही प्यूपिल और सीलियरी मसल्स पे भी पाए जाते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि पर्सन में मायोसिस हो जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, आई के अंदर मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी कि मायोसिस हो जाता है, जिसमें एक्वस ह्यूमर का फ्लो जो है बढ़ जाता है। ये वाला पूरा मैंने आपको चार्ट से बताया था, मायोसिस वाली टॉपिक, पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिगमिन ड्रग के साथ मैंने ये एक्शन आपको बताया था, रे डायग्राम बनवाया था मैंने आपको। तो प्यूपिल और सिलरी मसल के ऊपर जो M3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे मायोसिस कॉज होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। ये तो चार हमने अलग अलग जगहों पर पढ़े मस्केलिनिक रिसेप्टर्स। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो NM है वो स्केलेटल मसल्स और प्लेट पर, स्केलेटल मसल एंड प्लेट पर ये पाया जाता है। ये स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जबकि NN निकोटिनिक रिसेप्टर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और एड्रीनल मेड्यूला पे पाया जाता है। ये एपिनेफ्रिन का सीक्रीशन करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है। तो ये सारे कॉलर्जिक रिसेप्टर्स हैं। आप मैंने ये कॉलर्जिक जो टॉपिक है दोबारा क्यों पढ़ाया मैं आपको बता दूं, क्योंकि कॉलर्जिक और एंटी कॉलर्जिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये कॉलर्जिक और एंटी कॉलर्जिक। तो मैं चाहती हूँ आप इसके अच्छे से नोट्स बना लें, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को बढ़िया से अटैम्प्ट कर सकें। तो ये कॉलर्जिक रिसेप्टर्स, इसके बाद कॉलर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये PSNS के एक्शन को मिमिक करता है, कॉपी कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ये मिमिक कर रहा होता है। एकदम इसका वर्क जो है कॉलर्जिक ड्रग्स का हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा ही है। इस नर्वस सिस्टम के फंक्शंस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या फंक्शन करता है, ये मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया है। PSNS के फंक्शन मैं बता चुकी हूँ, तो वो जो फंक्शन थे या आपका ये PSNS के जो एक्शन हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, उन सभी एक्शन को मिमिक करने का काम कॉलर्जिक ड्रग्स करती हैं, इसलिए हम इसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं, या कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी इनको कहा जाता है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्यूलेट करेंगे, एकदम वैसे ही जैसे एसिटाइल कोलीन करता है, एसिटाइल कोलीन हार्मोन है और एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये एसिटाइल कोलीन तो है ही, उसके अलावा इसके अंदर हमने तीन ड्रग्स और पढ़ी थी, बिथेनिकॉल, पाइलोकार्पाइन, मस्केराइन, ये हमने ड्रग्स पढ़ी थी। तो ये सब की सब एसिटाइल कोलीन को ही उसी मैनर में ही ये PSNS को स्टिम्युलेट कर देती है। इसके अलावा ये कॉलर्जिक रिसेप्टर्स को भी स्टिम्युलेट करती है, डायरेक्टली स्टिम्युलेट कर सकती है, या स्लो एसिटाइल कोलीन मेटाबॉलिज्म एट सिनेप्सिस पे ये वर्क कर रही होती है, या स्लो वर्क वो कर रही होती है, जिससे कि हमारा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है वो इफेक्ट होता है। अब कॉलर्जिक एगोनिस्ट जो है, हमने पढ़ा था कि ये दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। ये चार्ट हम पढ़ चुके हैं, है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया था ये चार्ट पहले भी। कॉलर्जिक ड्रग्स जिसको अपन कॉलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक कह रहे हैं, ये दो तरह की कॉलर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कॉलिनेस्टरेजेस में क्लासिफाई हमने किया। कॉलर्जिक एगोनिस्ट को फिर हमने क्लासिफाई, फर्दर क्लासिफाई इसको किया है कोलीन एस्ट्रेज और एल्केलॉइड्स के अंदर। ये चीज़ मैंने वहाँ आपको बताई नहीं थी, इसलिए यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ मैंने सीधा डायरेक्टली एक्टिंग के नाम बताए थे, चार नाम, यहाँ आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं कि कोलीन एस्ट्रेज और एल्केलॉइड्स कॉलर्जिक एगोनिस्ट के अंदर आते हैं।
इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आ रही हैं, कोलिनेस्टेज में एस्टाइल कोलिन, मीथा कोलिन, कार्बाकॉल, बेथेनेकॉल आती हैं, जबकि एल्केलॉइड्स में मस्केराइन, पाइलोकार्पाइन, एरिकोलाइन आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड्स और नर्व गैसेस जो है वो केमिकल वॉरफेयर जैसे है, नर्व गैसेस फॉर केमिकल वॉरफेयर जो है वो भी हम इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। जबकि हालांकि वैसे जो इंसेक्टिसाइड्स और ये दोनों हैं ये इनडायरेक्टली एक्टिंग के अंदर आएंगे, ये डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर नहीं है, इनडायरेक्टली के अंदर आ रहे होते हैं। अब एंटी कोलिनेस्ट्रेस जो कि इनडायरेक्टली एक्टिंग कॉलर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, इसको फिर हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये दोनों मैंने आपको बताए थे। पर इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है कार्बामेट्स एक्राइडिन रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल में कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं। अब कार्बामेट्स में क्या होता है, फाइसोस्टिग्माइन आता है जिसको हम एसेरिन भी कहते हैं, नियोस्टिग्माइन आता है, पायरिडोस्टिग्माइन, एड्रोफोनियम, राइवास्टिग्माइन, डोनेपेज़ल और गैलेंटामिन आता है। इसी के अंदर अपन इंसेक्टिसाइड्स और नर्व गैसेस पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक्रिडिन में टेक्राइन आता है, टेक्रिन भी आप इसको प्रनाउंस कर सकते हैं। इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्ट्रेज के अंदर जो कार्बामेट्स है उसमें कार्बारिल और प्रोपगजर आता है। कार्बारिल का ब्रांड नेम है सेवन, प्रोपगजर का ब्रांड नेम है बेगोन, जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपके सामने कार्बारिल नहीं लिखा हुआ, कहीं पे सेवन लिखा हुआ है, तो आप कन्फ्यूज मत हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर डाइफ्लॉस जिसको अपन DFP कहते हैं, इकोथायोफेट आता है, मेलाथायोन आता है, डायाजेनॉन आता है जिसको अपन TYK20 के नाम से जानते हैं, टैबिन, सैरिन और सुमान नाम की ड्रग्स आ रही होती हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का। अब इनमें से जो डायरेक्टली एक्टिंग कॉलर्जिक एगोनिस्ट है ये क्या करते हैं, दे एक्ट बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू कोलिनोरिसेप्टर्स। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, क्योंकि ये है ही डायरेक्टली एक्टिंग, इसका मतलब ये कोलिनोरिसेप्टर्स पर डायरेक्टली बाइंड हो जाती हैं। और ये ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड सॉल्युबल है और जाकर सीधा कोलिनोरिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाएंगी। ये तेजी के साथ में CNS में एंटर नहीं होती, इसलिए ये पेरिफेरल सिस्टम के ऊपर अपना असर दिखाती है। ऐसा नहीं कि आपने दवाई दी और सीधा CNS के अंदर जाकर अपना असर दिखाएगी, नहीं, ये नहीं घुसती है बहुत जल्दी CNS में, तो ये पहले अपना पेरिफेरल एक्शन दिखाएंगी। एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज के द्वारा इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो रेजिस्ट होता है, रेजिस्टेंट टू मेटाबॉलिज्म बाय एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज। एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है इसके ऊपर अपना असर नहीं दिखा पाता है, ये एंजाइम है। एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है वो एस्टाइल कोलिन को कोलिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, वो एंजाइम है। और इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्गर एक्टिंग होता है एस्टाइल कोलिन के साथ में, अगर आप इनको दे रहे होते हो तो एस्टाइल कोलिन के साथ ही अपना असर ज़्यादा दिखाएंगे। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स थी, एस्टाइल कोलिन है, मीथा कोलिन, कार्बाकॉल, बेथेनेकॉल ड्रग्स आती हैं। इसके अलावा मस्कारिन, पाइलोकार्पिन और एरिकोलिन ड्रग्स इसके अंदर आ रही हैं। अब कोलिनर्जिक एजेंट्स का इफेक्ट क्या है, ड्रग इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स, क्या दवाई के रूप में ये असर दिखाएगी हमारी बॉडी पे। तो हमने ये चीज़ कल पढ़ी थी कि ये हमारे अलग अलग सिस्टम के ऊपर असर दिखाती है, जैसे कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स पर असर दिखाएगी, स्मूथ मसल जैसे GIT, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकाई के ऊपर अपना असर दिखाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे दिखाती है और आई के ऊपर अपना असर दिखाती है। कार्डियोवेस्कुलर में ये हार्ट रेट को डिक्रीज करती है यानी ब्रैडीकार्डिया और वैसोडाइलेशन करती है ये। हालांकि कोई खास इसका वो रोल नहीं है, इसमें कोई मीडिएशन नहीं होता, ये सीधा वैसोडाइलेशन करेगी जिससे कि BP जो है वो लो हो जाता है, हार्ट रेट कम होती है। उसके अलावा ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, एंटीरियो वेंट्रिक्यूलर कंडक्शन को ये कम कर देता है। दूसरा स्मूथ मसल्स का हमने कहा ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो इंटेस्टाइन और ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा जिससे गैस्ट्रिक सीक्रीशन बढ़ता है, GIT मोटिलिटी बढ़ जाती है, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये प्यूपिल को स्टिम्युलेट करता है जिससे कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है जिसको अपन मायोसिस कहते हैं, एकोमोडेशन का जो है वो स्पाज़म हो जाता है, कॉन्टैक्ट एकोमोडेशन, ये जो हमारा आई का पार्ट है, फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी के अंदर ये पढ़ा है, स्पाज़म ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन जगह का स्पाज़म हो जाएगा। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है,
क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर वो बाहर निकलने लग जाता है, इंक्रीज्ड आउटफ्लो, आउटफ्लो होने से आईओपी जो है वो कम हो जाएगा। ये प्यूपिल के ऊपर इसका असर। रेस्पिरेटरी क्या इफेक्ट दिखाता है, ये ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेगा, आपका ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और एयर वे जो है वो नैरोड हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसीलिए जो दवाइयाँ होती है, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि एस्थमा में नहीं देनी चाहिए, एस्थमेटिक्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉलिनर्जिक ड्रग्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म कर रही है। एक तो ऑलरेडी उसको उसके जो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हुए ऊपर से आपने दवाई और दे दी, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा पर्सन, तो ये मौत का कारण बन सकती है एस्थमेटिक पेशेंट के लिए, इसलिए नहीं दी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा ये सलाइवेशन और स्वेटिंग को बढ़ाता है, ये जो कॉलर्जिक एजेंट्स हैं सलाइवेशन और स्वेटिंग को बढ़ाएंगे। अब ड्रग इफेक्ट्स कॉलर्जिक एजेंट्स के आप कैसे याद रख सकते हैं, तो MSLUBDD की फॉर्म में याद कर लीजिए, MSLUBDD ये शॉर्ट फॉर्म है। MSLUBDD क्या है भाई, इसको कैसे याद रखो, मैनी स्मार्ट लेडीज अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर फॉर ड्यूड्स, सो इंटरेस्टिंग है ना, एकदम सही बात है। तो इस सेंटेंस को याद करिए, ये फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, मैनी स्मार्ट लेडीज अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर फॉर ड्यूड्स। तो एम मायोसिस, एस सलाइवेशन, एल लैक्राइमेशन के लिए है, यू यूरिनेशन के लिए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, बी डी जो है डिफिकेशन, और लास्ट वाला डी जो है डिक्रीज्ड हार्ट रेट। तो ये MSLUBDD के नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो, ये याद करने की ट्रिक है। अब इसके बाद ये तो सारे ड्रग्स का इफेक्ट हमने पढ़ लिया, अब इनमें जो सबसे पहली थी वो थी एसिटाइल कोलिन, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने बोला था ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर है आपके ANS का, एसिटाइलकोलीन ANS का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से रिलीज होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर चाहे वो सिंपथैटिक के हो चाहे वो पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम के, उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से एसिटाइलकोलीन रिलीज होता है। ये मैंने आपको डिफरेंस में भी पढ़ाया था, मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था इसका PNS और SNS का, याद करिए, हमारी सेकेंड क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। इसके अलावा ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथैटिक न्यूरॉन से भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से दैट इनर्वेट द स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड को इनर्वेट करता है, मोटर न्यूरॉन्स से ये निकल रहा होता है और स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करता है, तो वहाँ से भी रिलीज होगा। ये एक क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड है, इसलिए ये मेम्ब्रेन में घुस नहीं पाता, इसलिए इसकी कोई खास थेरापेटिक इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाएगा एस्टाइलकोलीन एस्टेज के द्वारा। मैंने बताया था ये एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है ये एंजाइम इसको, तो ये एस्टाइलकोलीन एस्टेज के द्वारा रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है। इसमें मस्कैनिक और निकोटेनिक एक्शंस पाए जा रहे होते हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया चीज़ें। अब सबसे पहली जो हम एस्टाइलकोलीन के बाद जो ड्रग हम पढ़ रहे हैं वो है बेथेनिकॉल। ये एस्टाइलकोलीन एस्टर से हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती, मतलब उसमें जो कमियां थी वो इसमें नहीं है। इसका एक्शन क्या है, ये मस्कैनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी और टोन जो है वो बढ़ जाती है। ये ब्लैडर के डेट्रसर मसल को जो है स्टिमुलेट करता है, जबकि ट्राइगोन और स्फिंक्टर्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। डेट्रसर मसल स्टिमुलेट होती है और ट्राइगोन और स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाती है, और यूरिन जो है वो बाहर निकलता है, यानी यूरिनेशन का प्रोसेस ये करवाती है। इसका थेरापेटिक यूज़ क्या है, पैरालिटिक इलियस में दिए जाती है, किसी को अगर इलियस का पैरालिसिस हो जाए, यूरिनरी रिटेंशन किसी पर्सन में हो रहा है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, आप बेथेनिकॉल दे सकते हो उसको। पोस्ट सर्जिकल एटोनी अगर हुई है ब्लैडर और जीआई ट्रैक के अंदर, तो उसमें भी अपन बेथेनिकॉल नाम की दवाई दे रहे होते हैं। ब्लैडर जीआई ट्रैक में सर्जरी के बाद उसकी टोन अगर सही नहीं है, ख़राब हो गई है, तो बेथेनिकॉल दे सकते हो ताकि वो कंडीशन ठीक हो जाए। दूसरी दवाई है हमारी पाइलोकार्पाइन। ये एक एल्कलॉइड है, ये लिपिड सॉल्युबल होती है और ये कोलीन एस्टरेज से हाइड्रोलाइज्ड होती है, एंड इज स्टेबल टू हाइड्रोलाइसिस बाय कोलीन एस्टरेज। ये स्टेबल रहती है कोलीन एस्टरेज से हाइड्रोलाइज्ड होने के बावजूद भी, इसका कोई खास ऐसे इस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा होता। इसका एक्शन क्या है, अगर आप इसको लोकली लगाते हो, मेनली कॉर्निया पे लगाई जाती है, ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ा दी, कॉर्निया पे लोकली लगाई जाती है, तो ये रैपिड मायोसिस करती है, सीलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि एकोमोडेशन का स्पाज़म हो जाता है, विज़न आपका फिक्स हो जाता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आपको दिखाई दे रहा होता है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू फोकस फॉर फार सिचुएटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये दवाई आपने डाली होती है तो केवल आपको पास की चीज़ें दिखाई दे रही, ज़्यादा दूर
दूर कि आप देख नहीं पाते हो, क्योंकि ये स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन कर रहा होता है, इस वजह से विजन को फिक्स्ड कर देता है। ये किस में देते हैं, ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के अंदर हम ये दवाई देते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में मैंने आपको पढ़ाया था भाई एक्वस ह्यूमर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को करवाने के लिए, ड्रेनेज जैसे ही होएगा एक्वस ह्यूमर का तो इंट्राओक्युलर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसके लिए अपन दे रहे होते हैं। इन ग्लूकोमा इट ओपन्स ट्रेबिक्यूलर मैशवर्क अराउंड द स्क्लैम्स कैनाल। ये स्क्लैम्स कैनाल वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया था, अच्छे से चार्ट बना हुआ है, आप खोल करके देख लीजिए अपनी सेकेंड क्लास वाले नोट्स को। स्क्लैम्स कैनाल्स के चारों तरफ जो ट्रेबिक्यूलर मैशवर्क है उसको ओपन कर देता है, जिससे कि एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो जाता है और आईओपी इमीडिएटली कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा तो पर्सन को राहत मिलेगी। अब डायरेक्टली एक्टिंग तो कंप्लीट हो गए ड्रग्स, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कॉलर्जिक एगोनिस्ट देखिए भाई, दे एक्ट थ्रू इनहिबिशन ऑफ एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम। ये एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन दिखाता है, जिससे कि एस्टाइल कोलिन का लेवल हमारे स्नैप्स पे रिलीज हो रहा होता है। एक्चुअली एस्टाइल कोलिन, अगर आपको एनाटॉमी याद है फर्स्ट ईयर की, तो जहाँ पे स्नैप्स होता है, जहाँ वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल्स एस्टाइल कोलिन ही होता है जो रिलीज हो रहा होता है, तो एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज जो कि एस्टाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज्ड कर देता है वो वहाँ पर रुक गया है इस दवाई की वजह से, तो एस्टाइल कोलिन एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिससे कि निकोटिनिक और मस्करनिक रिसेप्टर्स का जो एक्टिवेशन होता है वो बढ़ जाता है। एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स जो होते हैं वो या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होती हैं एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज की। कौन सी, एंटी कोलिन एस्ट्रेज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटी कोलिन एस्ट्रेजेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हमने कहा था दो तरह की मेडिसिन है, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली एक्टिंग तो कोलिन एस्ट्रेज थी और इनडायरेक्टली एक्टिंग जो है वो एंटी कोलिन एस्ट्रेज है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में बोला था कि अपन नेक्स्ट क्लास में एंटी कोलिन एस्ट्रेज पढ़ेंगे, तो एंटी कोलिन एस्ट्रेज मैं आपको बता रही हूँ कि एंटी कोलिन एस्ट्रेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कोलिन एस्ट्रेज के विपरीत वर्क कर रही होती है। ड्रग्स आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं कि एक बार इसने एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट किया पर बाद में जो है ये हट जाए तो वापस एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज एक्टिवेट हो जाएगा और अपना फंक्शन करेगा, और इरिवर्सिबल में अगर इसने एक बार इनहिबिट कर दिया तो दोबारा वो ठीक नहीं हो सकती, कंडीशन इरिवर्सिबल बन चुकी है। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कौन कौन सी आती हैं भाई, देखो नियोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन, इकोथायोफेट, पायरिडोस्टिगमिन, मेलाथायोन, इड्रोफोनियम, सोमान, टेक्राइन, डोनेपाजल, प्रोपाग्जर जिसको अपन बैगॉन भी कहते हैं। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डाइफ्लॉस, पैराथायोन, टैबनसारिन, कार्बामेट्स में कार्बारिल वगैरह इसके अंदर आती हैं दवाइयाँ। अब सबसे पहले फाइसोस्टिगमिन, ये केवल एंटी कोलिन एस्ट्रेज है जो कि अकेली ऐसी एंटी कोलिन एस्ट्रेज है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ये ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है, ये एंटीडॉट के रूप में काम में लेते हैं। अगर एंटी कोलिनर्जिक्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके एंटीडॉट के रूप में अपन फाइसोस्टिगमिन काम में लेते हैं, जैसे अगर एट्रोपिन ज़्यादा ले ली, एंटी हिस्टामिन्स ज़्यादा ले ली, TCA, फिनोथायाजिन जो कि ग्लूकोमा वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए, अगर अपन मतलब ये ऊपर वाली ड्रग्स अगर ज़्यादा हो गई तो अपन फाइसोस्टिगमिन दे सकते हैं, अगर ग्लूकोमा को ट्रीट करना होता है तब भी हम फाइसोस्टिगमिन दे सकते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली है, क्योंकि मैंने ग्लूकोमा में बताया था ना, एक तो पाइलोकार्पिन देते हैं और एक फाइसोस्टिगमिन दे सकते हैं, तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए भी फाइसोस्टिगमिन दी जाती है। और इसके अलावा एट्रोपिन, एंटी हिस्टामिन, TCA और फिनोथायाजिन ड्रग्स ज़्यादा हो जाए, ओवरडोज हो जाए तो उसके एंटीडोट के रूप में भी अपन ये दवाई देते हैं। इसके अलावा दूसरी है पायरिडोस्टिगमिन, ये मायस्थीनिया ग्रेविस जो कि एक मसल का, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मसल का, इसमें पेशेंट्स को दी जाने वाली दवाई है, इज द मेंटेनेंस ड्रग। ड्रग जो है ये कैसी ड्रग है, मेंटेनेंस ड्रग है, पेशेंट के अंदर मेंटेनेंस करवाने के लिए अपन पायरिडोस्टिगमिन नाम की दवाई दे रहे होते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के केस में। नेक्स्ट मेडिसिन है नियोस्टिगमिन, ये एंटी कोलिन एस्ट्रेज एजेंट का एक प्रोटोटाइप है, ये लॉन्ग
टर्म ट्रीटमेंट अगर मायस्थीनिया ग्रेविस का देना होता है तो अपन नियोस्टिग्माइन देते हैं, ये एक एंटीडॉट है ट्यूबो क्यूरारिन की। और दूसरी नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स जो होते हैं सर्जरी में दिए जाते हैं उनकी एंटीडोट है ये नियोस्टिग्माइन। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है डोनेपेजल, ये अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा ये लर्निंग कैपेबिलिटी और मेमोरी को बढ़ाने या मेंटेन करने के लिए भी दी जाती है। कई लोग याददाश्त की दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो डोनेपेजल नाम की दवाई जो है उनको दी जा रही होती है। अब इनडायरेक्ट कॉलर्जिक एगोनिस्ट जो हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे हैं, तो देखो ग्लूकोमा के लिए मैंने बताया पाइलोकार्पन फाइसोस्टिग्माइन है, एड्रोफोनियम दिया जाता है मायस्थीनिया ग्रेविस को टेस्ट करने के लिए, नियोस्टिग्माइन पैरिडोस्टिग्माइन भी अपन इसी ग्रेविस को ठीक करने के लिए देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस हो गया तो नियोस्टिग्माइन दे सकते हो, पोस्ट ऑपरेटिव डिक्यूरेराइजेशन हो जाता है जिसमें हमारे मसल्स के अंदर पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें नियोस्टिग्माइन दिया जाता है जो कि उस पैरालिसिस को रिवर्स करने का काम कर रहा होता है, उस मसल पैरालिसिस को रिवर्स कर देता है। इसके अलावा कोबरा बाइट अगर हुआ है किसी को, तो कोबरा बाइट में क्या होता है एक्चुअली पर्सन को सांस आनी बंद हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है उसकी वजह से, तो उसको रोकने के लिए अपन एड्रोफोनियम देते हैं। कोबरा सांप किसी को खा जाए तो अपन एड्रोफोनियम नाम की दवाई देते हैं ताकि वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से पर्सन को बचा ले। एट्रोपाइन की पॉइजनिंग अगर हो जाती है, एट्रोपिन अगर आपने ज़्यादा खा ली है तो फाइसोस्टिग्माइन देते हैं। ये एंटागोनिस गोनिक मेडिसिन है जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट के अगेंस्ट में वर्क कर रही होती है। अल्जाइमर डिजीज़ के लिए अपन डोनेपेजल देते हैं, गैलेंटामाइन देते हैं, टैक्राइन देते हैं, राइवास्टिग्माइन देते हैं। इसके अलावा TCA फिनोथायाजन की अगर ओवरडोज हो जाती है तो फाइसोस्टिग्माइन दी जा रही होती हैं। अब इन कॉलर्जिक एजेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि भाई ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं स्ट्रॉन्ग वाली वो हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर दिखाती हैं। तो PSNS का अगर ओवर स्टिम्युलेशन देखने को मिल रहा होता है, अगर कॉलर्जिक एजेंट का साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो अगर आपने ज़्यादा कॉलर्जिक एजेंट्स ले लिए हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि PSNS ज़्यादा स्टिम्युलेट हो जाएगा, क्योंकि कॉलर्जिक एजेंट होते यही हैं कि PSNS को स्टिम्युलेट कर दें, और आपने ज़्यादा खा ली तो ये ओवर स्टिम्युलेशन कर देंगे जिससे कार्डियोवैस्कुलर CNS GI सब के ऊपर अब उसका असर दिखेगा। कार्डियोवैस्कुलर में पर्सन को ब्रैडीकार्डिया का पर्सन शिकार हो जाता है, हाइपोटेंशन BP कम हो जाती है, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं उसके अंदर। कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कंडक्शन क्यों काम में लिया गया कि वो जो आपके सिस्टम्स को जो कंडक्ट कर रहे होते हैं, जो चीज़ें कंडक्ट कर रही हैं आपके सिस्टम को, जैसे AV कंडक्शन हमने बोला था ना, एंटीरियर वेंट्रिकुलर कंडक्शन, आप अपने डायग्राम्स देखिए पहली वाली क्लासेस के अंदर, वहाँ मैंने दिया हुआ है AV कंडक्शन। AV ब्लॉक कर देता है, कार्डिक अरेस्ट कर देता है, तो ऐसी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। CNS के ऊपर सर दर्द होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, दौरे पड़ने लग जाते हैं लोगों के अंदर अगर ये दवाई ज़्यादा खा ली तो, इसके साइड इफ़ेक्ट हुए तो। GI में एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में मरोड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत रहने लग जाती है, पेट में या बॉडी के अदर पार्ट्स में सिक्रीशन होने लगता है, नोजिया वॉमिटिंग होने लग जाती है। रेस्पिरेटरी में ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, नाक बहने लग जाएगी और सिक्रीशंस ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आंसू का ज़्यादा बनना, पसीने का ज़्यादा बनना, सलाइवा का ज़्यादा बनना, बाइनोकुलर एकोमोडेशन का लॉस हो जाना, मायोसिस हो जाना, ये सब कॉलर्जिक एजेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब एक्यूट टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं इररिवर्सिबल कॉलिनेस्टेज इनहिबिटर्स के, ये एक्यूट टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स अपन OP पॉइजनिंग भी कहते हैं। OP क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग जो है वो देखने को मिल रही होती है। नाम नोट कर लीजिएगा OP का, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, नीचे हालांकि लिखा हुआ ऑर्गेनोफॉस्फेट वर्ड आया हुआ है,
ये एजेंट्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, बॉडी में ये आई, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट के थ्रू एंटर कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड जैसे कि मेलाथायोन, पैराथायोन और नर्व गैसेस जैसे सैरिन, टैबिन और सोमान इसके अंदर आती हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के अंदर। ये सारे एजेंट्स जो होते हैं वो एक्सेसिव कॉलर्जिक स्टिम्यूलेशन कॉज कर देते हैं, मतलब कॉलर्जिक ज़्यादा हमारे जो ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिम्युलेट ज़्यादा कर देंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड कर देते हैं। मस्कुलिन को तो इसने स्टिम्युलेट किया और NM को इसने ब्लॉक कर दिया, ऐसा इनका फंक्शंस हैं। कॉलर्जिक क्राइसिस भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा इसका एक्शन दिखाई देना, क्योंकि इरिवर्सिबल एल्टी कॉलिनेस्टेज पॉइजन जो है वो बाइंड्स टू द एंजाइम एसिटाइल कॉलिन एस्टेज एंड इनएक्टिवेट्स इट्स। ये लाइन एक बार अभी थोड़े समय पहले आई थी ना, मैंने कहा था कि दो तरह से असर हो जाएगा, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में तो अगर वो दवाई हट गई तो वापस एस्टाइल कोलिन एस्टेज जो है वो एक्टिवेट होएगा और अपना फंक्शन करेगा, यानी एस्टाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करेगा। पर अगर इरिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल कौन, एंटी कोलिन एस्टेज का पॉइजन इरिवर्सिबली अगर बाइंड हो जाता है तो जो एंजाइम एस्टाइल कोलिन एस्टेज है वो परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाता है और अपना फंक्शन नहीं दिखा पाता। तो ऐसे केस में एस्टाइल कोलिन हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं, कॉलर्जिक सिनेप्सिस वहाँ बना रहेगा और मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर जो हैं वो एक्सेसिवली स्टिम्युलेट हो जाएंगे, और हर समय अगर कोई कंडीशन बनी हुई है तो वो एक तरह का क्राइसिस है। इसी को अपन कॉलर्जिक क्राइसिस कहते हैं, क्योंकि कंडीशन ज़रूरत के समय बने और बाद में हट जाए। अब यूरिनेशन प्रोसेस हर समय चल रहा है तो नॉर्मल थोड़ी ना कहलाएगा, जिस समय रिक्वायरमेंट है उस वक्त वो प्रोसेस चलना चाहिए। तो इसी को हम, इसी कंडीशन को हम कॉलर्जिक क्राइसिस कहते हैं। अब ऐसे में ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर पॉइजनिंग हो जाए किसी पर्सन में तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट एक तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट कहलाता है, उसी समय हमारे को देना पड़ता है। जैसे डी कंटेमिनेशन ऑफ क्लोदिंग, उसके कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे आपको रखने हैं, कंटेमिनेट नहीं होने चाहिए। स्किन और आइज़ के थ्रू अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, पॉइजन हुआ है तो फ्लशिंग पॉइजन, उस पॉइजन को आप फ्लश कर दीजिए, हटा दीजिए, धो लीजिए पानी से, आप उसको हटा दीजिए वो जो मेडिसिन वहाँ पर गई है। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल और लेवेज देते हैं हम जीआई इंजेक्शन, अगर जीआई में वो पॉइजनिंग हुई है तो इंजेस्ट करवाया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल और लेवेज, क्योंकि चारकोल जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है, ये कोलिन कॉलर्जिक ये जो एस्टाइल कोलिन वगैरह जो हम बता रहे हैं उसके चारों तरफ ये बाउंड कर जाता है। जो आपने केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ी थी कि आपने पढ़ा था कि ये लिगेंड्स बना लेते हैं, किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसको आप चिलेटिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं, किलेटिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं, ये उसके चारों तरफ बाउंड करके ऐसे किलेटिंग एजेंट का वर्क करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं और उसको बाहर निकाल देंगे आपकी बॉडी से, क्योंकि आपकी बॉडी में रेक्टल सिस्टम स्मूथ बन जाता है और वो दवाई जो है जो पॉइजनिंग का काम कर रही है वो बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा एट्रोपिन जो है वो दे सकते हो मस्कुलिनिक इफेक्ट के काउंटर एक्ट के लिए, आप एट्रोपिन भी दे सकते हो, जिसमें आपको 2 mg IV उसका देना है इंट्रावीनसली, आप उसको इंजेक्ट करवाएंगे। इसके अलावा 10 मिनट तक ये पिपल को डायलेट करने का काम कर रही होती है, मैक्सिमम आप 50 से 100 mg ही इसकी दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देनी है आपको ये दवाई। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड को रिलीव करने के लिए आप निकोटिनिक इफेक्ट के द्वारा आप इसको NM ब्लॉकेज को रिलीव कर सकते हो, जिसके लिए आपको प्रालीडोक्सन डॉक्साइन नाम की दवाई जो है वो देनी होती है। ये एक कॉलिनेस्टेज रीएक्टिवेटर होता है, तो उसको रीएक्टिवेट कर देगा, दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा प्रालीडोक्साइन जो है वो एंटी कॉलिनेस्टेज पॉइजन भी कर देता है, कॉज कर देता है, जिससे कि एंजाइम एस्टाइल कोलिनेस्टेज रिलीज हो जाता है। इसके अलावा प्रालीडोक्सन अगर आप देते हो, जितना जल्दी आप उसको दे सकते हो, एज सून एज पॉसिबल, एज इफ टू मच टाइम पासेस द पॉइजन बाउंड बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर द प्रालीडोक्सन टू वर्क, कि अगर आपने दवाई देने में लेट कर दी, टाइम निकाल दिया, तो फिर वो जो पॉइजन जो कॉलिनेस्टेज जो पॉइजनिंग कर रहा है वो पॉइजन इतना टाइटली बाउंड हो जाता है सेल्स वगैरह के ऊपर कि प्रालीडोक्साइन जो है वो अपना असर बेचारी दिखाई नहीं पाती, अपना काम करने में उसको समय लग जाता है और वो उतना अच्छा स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पाएगी जितना उसको करना होता है। इसके अलावा दूसरे ऑक्साइम्स जैसे कि ओबिडोक्साइन, डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइम भी आप दे सकते हैं।
इसके साथ आपका कॉलिनर्जिक और एंटी कॉलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं इस क्लास के अंदर। इसमें मैंने आपको दोनों एक साथ पढ़ाया है, सिस्टम कॉलिनर्जिक और एंटी कॉलिनर्जिक। हालांकि मैं चाह रही हूँ एंटी कॉलिनर्जिक थोड़ा सा और आपको डिटेल में एक बार और बता दूँ, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एंटी कॉलिनर्जिक को दोबारा पढ़ लेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी क्लास यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको डाउट आपके दूर कर दूँगी। थैंक यू क्लास।